खबर हरियाणा के नूह से, जहां पर हिंसा हुई और हिंसा के बाद से अब हालात नियंत्रित हैं। पैरामिलिट्री को तैनात कर दिया गया है। नूह के एसपी आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहते हैं कि अब स्थिति नियंत्रित है। 80 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया गया, 80 से ज्यादा, जी हां 80 से 90 गाड़ियों को फूंक दिया गया। नूह पुलिस कह रहे हैं 3 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 2 होमगार्ड भी हैं और एक आम आदमी भी है, एक स्थानीय नागरिक भी इसमें शामिल है। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है। राज्य इस वक्त अलर्ट पर है। नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है, बाकी जिलों में धारा 144। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो कि 2 समुदायों के बीच में टकराव की घटना हुई है। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उस शोभा यात्रा के अंदर ही कोई ऐसी बात हुई है जिसके वजह से टिप्पणी को लेकर आपस में टकराव हुआ है और अभी उसके कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और आगे भी जो भी वीडियो के बेसिस पे सबको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। जिले में पूरे में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई है, जिससे कि कोई भी वंचित तत्व इसमें अफवाहें ना फैला सके।